वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम टी डब्ल्यू आर पी कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 8 प्रो और यहाँ पे देख सकते हो 12.5.3 का वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, 1 जुलाई का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। यहाँ पे आप इंडियन वर्जन में हो, अगर आप यहाँ पे टी डब्ल्यू आर पी और रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है जो कि MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूटलोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस का यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट अपने डिवाइस का आपको बूटलोडर अनलॉक कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे बूटलोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक है तो बेशक आप यहाँ पे जो है टी डब्ल्यू आर पी और रूट इंस्टॉल्ड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे सिंपल PC से कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको फाइल ट्रांसफर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे आना है PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल, यहाँ पे TWRP, उसके बाद मैजेस मैनेजर, जिप मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, यहाँ पे तीनों जो है रूट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे तीनों को कॉपी कर लेना है अपने इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा जो कि देख सकते हो पेस्ट हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है, आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है और यहाँ पे जो बेगोनिया रिकवरी प्रोजेक्ट है इसको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप फोल्डर देख सकते हो। उसके बाद डिवाइस में आना है, पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है, इससे क्या होगा आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है, जो कि देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद क्या करना है, प्लेटफॉर्म टूल ओपन करना है, यहाँ पे भी फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है, जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको कमांड टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर और उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे रिकवरी फोल्डर है इसको ओपन करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश बेगोनिया रिकवरी प्रोजेक्ट जो कि MIUI एंड्रॉइड 11 और यहाँ पे जो TWRP आता है एंड्रॉइड 11 के लिए अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 11 है तो बेशक आप ये TWRP को यूज़ कर सकते हो। डबल क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी फॉर MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 और यहाँ पे फ्लैश सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे जो डिवाइस है आपका देख सकते हो जो कि यहाँ पे TWRP में बूट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि देख सकते हो TWRP आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे आपको बेगोनिया रिकवरी प्रोजेक्ट मिल जाता है। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल में जाना है, मैजेस मैनेजर जिप यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। मैजेस मैनेजर जिप इंस्टॉल्ड करने से आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट अनेबल हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। इंस्टॉल्ड हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। सिंपल TWRP फ्लैश करना है आपको PC से, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस में आना है, डिवाइस में आने के बाद मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। और यहाँ पे आप अपने डिवाइस में रूट करना चाहते हो तो ये आपको ये मेथड यूज़ करना है, अगर आप विदाउट रूट के TWRP यूज़ करना चाहते हो तो आपको अलग सा मेथड मिल जाता है, तो मेथड के ऊपर भी यहाँ पे मैं वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो MIUI और यहाँ पे डिवाइस बूट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी बूट हो चुका है। उसके बाद मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, देख सकते हो मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है। तो ये भी इंस्टॉल्ड हो चुका है, उसके बाद होम प्रेस करना है, यहाँ पे आपको मैजेस मैनेजर को ओपन करना है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड वर्जन 23 तो इसका मतलब यहाँ पे मैजेस मैनेजर जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको रूट चेक करना है, तो बेशक आप रूट चेकर से चेक कर सकते हो, आपको अग्री करना है, गेट स्टार्टेड
उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई रूट करना है, परमिशन आपको यहाँ पे ग्रांट कर देना है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे रूट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे सिंपल वे से इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो बेशक ये मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी और यहाँ पे सिक्योर मेथड है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे TWRP में जाना है तो यहाँ पे पावर की प्लस वाले अप की दोनों को यहाँ पे प्रेसेंट होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पर रिलीज़ करना होगा, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को रिलीज़ कर देना है। वाले अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में, जो कि एक लेटेस्ट TWRP आता है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के लिए। और यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड, तो यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो यूज़र हो तो बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो TWRP बूट हो रहा है, और यहाँ पे बूट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि TWRP। तो यहाँ पे आप बेशक ईजी वे से अपने डिवाइस में TWRP और रूट इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।